हेलो गाइस, मैं अनबॉक्सिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित और आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है मोबाइल की यूएसबी केबल। जी हाँ, मोबाइल की यूएसबी केबल जो कि होते हैं वाइट कलर के और यूज करते करते ये अक्सर टूट जाते हैं, तो कैसे हम ये यूएसबी केबल को कुछ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और लाइफ लॉन्ग के लिए प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, आप लोग सारे पूछते होंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा यूएसबी केबल वाइट कलर के होते हैं और जल्दी से जल्दी ऐसे गंदगी पकड़ लेती है, और आप ऐसे देखते होंगे कि आप यूज़ करते करते आपका जो ये पॉइंट है ये टूट जाता है और काम करना बंद कर देता है। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिससे आप इस वायर को आप डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं और इसे भी बचा सकते हैं। तो मेरे पास ये वॉइस कमीगा बॉम्बो प्रोटेक्टर जिससे हम ये सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो देखते हैं कि प्लास्टिक के अंदर क्या है। प्लास्टिक को खोलते हैं, स्टिकर्स जो कि एडाप्टर और इसे एडाप्टर ऊपर लगाने के लिए यूएसबी का लिए, और ये जो एडाप्टर और ये शायद यूएसबी केबल है उसके लिए, और एक केस में येलो ऑरेंज लॉक दो लॉक और एक बैंड और निकाले बहुत सारे वायर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लॉक को खोलेंगे, खोलने के बाद ये जो वाइट पोर्शन है इसके लॉक के यहाँ पर ऐसे लगाना है और इसको ऐसे अगर तो इसको प्रेस करते हैं दो तरफ से। आपको शायद दिख रहा होगा अपने को पीछे क्या कर रहा है, तो इसके अंदर ही यहाँ पर ऐसे लाल वाला जो लॉक है इसको फायर में के लोगों को यहाँ पर लॉक होता है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये बिल्कुल सेफ हो गया। और उसका अगला स्टेप होगा आपका ये जो स्पाइडर वाला आपका जो वायर था इसको ऐसे इसको घुमाते घुमाते ऐसे पूरे वायर्स को ऐसे पूरे वर्ड्स को कवर कर। तो यहाँ पर मैं बना के रखा हूँ ये भी दिखा प्लीज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं ये कवर मैंने रेडी कर दिया कंप्लीट होने के बाद, काफ़ी मोटा हो जाता है कवर लगाने के बाद ये वर्ड्स से। उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो ये बैंड है इस बैंड को लगा सकते हो और जैसी मर्जी आप इसका लेटर करा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये स्टिकर है, इस स्टिकर को हम ये हमारे और डेकोरेशन है स्टिकर में ऐसे लगा सकते हैं एनवायरमेंट के लोगों पर डेकोरेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये वर्क करना था नीचे के स्टिकर लगा दिया है यहाँ पर लॉक के भी तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने ये नॉर्मल यूएसबी केबल को कैसे ये स्पाइडरमैन वाला डेकोरेटिव यूएसबी केबल में ट्रांसफॉर्म किया। तो अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात।